नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष ऐसी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार दो मित्र थे, एक अच्छा और एक लालची। दोनों मित्रों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम शहर में कमाने जाएं। तो दोनों धन घर से ली और जंगल के रास्ते से शहर को चल पड़े। तो जंगल में वो जो लालची मित्र था, उसमें उस अच्छे मित्र के लिए गलत विचार आ गया और उसने उसको मार काट कर अधमरा करके एक नाले में, जंगल में पत्थर के नीचे फेंक दिया और उसका जो सारा सामान था वो भी ले लिया, उसकी धनराशि भी छीन ली। घर पहुंच गया। घर पहुंच के उस अच्छे मित्र की बहन ने उससे पूछा कि भाई, वो नहीं आया मेरा भाई क्या? तो बोला, मुझे पता तेरा वहां चला गया, वो मेरे साथ नहीं गया था। अब इधर क्या होता है कि रात का समय होता है, वो दोस्त बेचारा पीड़ा से कहरा भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी जुबान चल नहीं रही थी, लेकिन कानों में सुनाई दे रहा था। तो रात को 12 बजे के बाद उस पत्थर के ऊपर राक्षसों की सभा लगी। तो वहाँ 4-5 राक्षस बैठे। तो उनमें से उनका एक जो बड़ा सरदार था, उसने बोला कि यहाँ रात के समय एक ये जो कुआं है, ये दिन के समय तो खाली रहता है, रात को 12 बजे के बाद ये पानी से भर जाता है और जो कोई भी रात के समय इस कुएं में डुबकी लगाता है उसके हाथ पैर सही हो जाते हैं और इस पत्थर के नीचे खजाना भी है और खजाने को जो हाथ पैर डुबकी लगाने के बाद जा सकते हैं। तो ये सब वो भला इंसान सुन रहा था और जैसे ही राक्षसों की सभा खत्म हुई तो उसने तुरंत घसीट कर अपना शरीर और उस कुएं में डुबकी लगाई तो उसके हाथ सही हो गई और उसने पत्थर के नीचे से वो खजाना भी निकाल के अपने सुबह अपने घर चला गया। तो जैसे घर गया तो लालची दोस्त ने उसको देख लिया तो उसने अच्छे मित्र को पूछा कि मित्र, तुम्हारे हाथ पैर कैसे सही हो? बुरा न मानना मित्र, से गलती हो गई, मेरे मन में पता नहीं कहां से कुविचार आ गया, अब मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हे मित्र, मुझे बताओ कि आप इतनी धनराशि लेके कहां से आए, कैसे मिली आपको? तो उसने बोला, क्या बताएं मित्र, आपने तो मेरे को मार काट के अधमरा करके वहां फेंक दिया था, लेकिन मेरे को परमात्मा ने सब कुछ दे दिया। और उसने अपना पूरा वृत्तांत उनको सुना दिया। तो लालची मित्र ने कहा कि मित्र, मुझे भी मार काट कर अधमरा करके ना आप वहीं फेंक के आ जाओ, हो सकता है कि मेरा भी ऐसा ही नसीब पलट जाए। तो उसने अच्छे मित्र ने बोला कि मित्र, मैं तो तुम्हें मार काट नहीं सकता क्योंकि मैंने तो कभी एक मक्खी भी नहीं मारी, हाँ मैं जरूर तुम्हें उस नाले में छोड़ा। अब ऐसा करके उस अच्छे मित्र ने उस लालची मित्र को उस पत्थर के नीचे छोड़ दिया। अब नाले में रात को सभा लगी राक्षसों की। तो सभा सरदार ने बोला कि लगता है कल को किसी ने हमारी बात सुन ली और हमारा सारा खजाना उड़ाकर चला गया, चलो ना ढूंढते हैं कि कौन हमारी पीठ पीछे यहाँ पे बातें सुनता है। तो वो ढूंढने लगे तो उनको वो लालची मित्र मिल गया उसका और उन्होंने उसको इतना मारा, मार के उसको खत्म कर दिया, उसको मार डाला। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे को कमजोर नहीं समझना चाहिए और किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।